अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जो है रिस्पायरेटरी रेट के बारे में बताऊंगी मैं आपको, और पल्मोनरी वॉल्यूम्स के बारे में भी बताऊंगी, और कैपेसिटीज़ के बारे में बताऊंगी, और एंड में एक ऐसी स्टडी टिप दूंगी जिससे आपको इंशाल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पायरेटरी रेट और पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। सो सबसे पहले तो रिस्पायरेटरी रेट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। रिस्पायरेटरी रेट द रेट ऑफ ब्रीथिंग पर मिनट इज कॉल्ड रिस्पायरेटरी रेट। जो हम एक मिनट में जितनी दफ़ा सांस लेते हैं, सांस अंदर लेके जाते हैं, बाहर लेके आते हैं, इसको एक सांस हम एक मिनट में कितनी दफ़ा लेते हैं, रेट इसे कहते हैं, उसे हम रिस्पायरेटरी रेट कहते हैं। नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट एडल्ट में और तरह का होता है, जो न्यू बॉर्न बेबीज चाइल्ड होते हैं उनका अलग तरह का होता है, एक्सरसाइज के दौरान अलग होता है। ये अब डिस्कस करते हैं कि कितना कितना होता है नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट। नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट जो होता है वो 15 to 20 ह्यूमंस में होता है, 15 to 20 टाइम्स पर मिनट इन ह्यूमंस, और चाइल्ड में जो है वो 44 टाइम्स पर मिनट होता है। जो न्यू बॉर्न चाइल्ड होते हैं उनमें 44 टाइम्स होता है एक मिनट में ब्रीथ रेट ऑफ ब्रीथ जो होता है उनका, और जो 5 साल के बच्चे होते हैं उनका रिस्पायरेटरी रेट 25 टाइम्स पर मिनट होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे वो 20 की तरफ आते हैं, जैसे कि पहले मैंने बताया था कि एडल्ट्स में 15 to 20 टाइम पर मिनट्स होता है, चाइल्डहुड में 5 ईयर के जब होते हैं तो 25 टाइम्स पर मिनट होता है, और एक्सरसाइज के दौरान ये हमारे जो ब्रीथिंग रेट है ये इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि हमारे जो मसल्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्रीथिंग रेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है एक मिनट में। हम आम जो है वो रिस्पायरेटरी रेट में ब्रीथिंग टाइम्स हमारा एक मिनट में 15 to 20 होता है, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्रीथिंग रेट 30 to 40 टाइम्स हो जाता है एक मिनट में। वही मैंने बताया कि मसल सेल्स जब हमारे एक्टिव होता है तो हमारा ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाता है। अब आगे बात करते हैं, ये था रिस्पायरेटरी रेट, पल्मोनरी वॉल्यूम्स की बात करते हैं। पल्मोनरी वॉल्यूम में आता है टाइडल वॉल्यूम। पल्मोनरी वॉल्यूम जो होते हैं ये हम लंग की फिजिकल जो कंडीशन होती है लंग्स की वो बताती है कि टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, और टाइडल वॉल्यूम में आगे इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करेंगे। फिर कैपेसिटीज़ की बात करें तो वो हमें कैपेसिटीज जब हम मेजर करते हैं कि मींस हमारे लंग्स की फ़िज़िकल कंडीशन कैसी है और सही से एयर का वॉल्यूम जा रहा है या नहीं जा रहा, ये सारे डिटेल कैपेसिटीज़ और टाइडल वॉल्यूम में फिज़िकल पल्मोनरी वॉल्यूम में डिस्कस्ड होता है। इससे हमें फिज़िकल कंडीशन ऑफ लंग्स का पता चलता है। टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो जो एयर का वॉल्यूम होता है जो हम ब्रीथ करते हैं अंदर की तरफ और बाहर निकालते हैं लंग्स से, एक नॉर्मल रिस्पायरेशन जैसे हम करते हैं, एक दफ़ा सांस अंदर लिया, ऑक्सीजन अंदर लेके गए, फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव किया, तो ऐसे जो एक दफ़ा करते हैं इसे, एक दफ़ा जो वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर गया उससे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। वो टाइडल वॉल्यूम मेजर होता है एक दफ़ा सांस लेने का वॉल्यूम ऑफ एयर कितनी अंदर जाती है वो, और टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो नॉर्मल डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग को सिग्निफाई करता है, और जो नॉर्मल वैल्यू होती है वॉल्यूम ऑफ एयर की, टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो 500 मिलीलीटर है, मीन 0.5 लीटर होता है। अब आगे बात करते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। टाइडल वॉल्यूम की आगे में आगे आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ऐसा वॉल्यूम जो कि एडिशनल वॉल्यूम होता है एयर का, जो हम इंस्पायर करते हैं, जो हम सांस अंदर लेके जाते हैं, फोर्सफुली सांस अंदर लेके जाते हैं, उसके एंड पे एक नॉर्मल इंस्पिरेशन जब होती है उसके बाद जो
एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर होता है उसे मेयर करने के लिए उसे जो मेयर कहते हैं उसे उस वॉल्यूम को इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो कि कितने हम वॉल्यूम ऑफ एयर होता है 3000 मिलीलीटर होता है, जैसे कि 3 लीटर जिसे हम कहते होते हैं 3000 मिलीलीटर या 3 लीटर एक ही बात है। एक मिलीलीटर में है, एक लीटर में है। सेकंड है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी एडिशनल वॉल्यूम होता है जो कि हम सांस बाहर निकालने के बाद फोर्सफुली हम सांस बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं लंग्स से, जब हमारे नाक के जरिए या मुँह के जरिए, नाक के जरिए सही होता है जब निकलता है, तो फिर जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम एडिशनल वॉल्यूम रह जाता है एयर का उसको जो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर फोर्सफुली आउट, ऐसा एडिशनल वॉल्यूम एयर का जो कि फोर्सफुली एक्सपायर्ड आउट बाय निकाला जाता है नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 1000 मिलीलीटर होती है एक लीटर के, जिसे हम एक लीटर भी कहते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम, अब रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है कि ऐसा एयर का वॉल्यूम जो कि हमारे लंग्स में रह जाता है कि फोर्सफुल सांस बाहर निकालने के बाद नॉर्मली लंग्स होते हैं वो कम्प्लीटली खाली नहीं होते कि एयर बाहर आ गई तो सारे लंग कम्प्लीटली एम्प्टी हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। फोर्सफुल जब एक्सपायरेशन होती है कुछ क्वांटिटी जो एयर की होती है वो लंग्स में रह जाती है, उस वॉल्यूम को जो एयर का रह जाता है उसे हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 1.2 लीटर की होती है, मीन्स 1200 मिलीलीटर। आगे हम पल्मोनरी कैपेसिटी इसकी बात करते हैं। पल्मोनरी वॉल्यूम से हमने डिस्कस किया रेजिडुअल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। अब हम पल्मोनरी कैपेसिटीज की बात करते हैं कि इनके पल्मोनरी कैपेसिटीज चार तरह की होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और पल्मोनरी कैपेसिटीज़ होती क्या हैं, पल्मोनरी कैपेसिटीज़ में दो या दो से ज़्यादा पल्मोनरी वॉल्यूम्स को ऐड किया जाता है तो हमें पल्मोनरी कैपेसिटीज़ मिलती हैं। लंग्स की कैपेसिटीज़ हमें पता चलती हैं, पल्मोनरी कैपेसिटीज़ या लंग कैपेसिटीज़ एक ही बात है। सो आगे सबसे पहला तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है कि कम्बिनेशन होती है टाइडल वॉल्यूम की और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। नॉर्मल वैल्यू मैंने आपके बताई थी टाइडल वॉल्यूम की कितनी है और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की कितनी नॉर्मल वैल्यू थी। तो अगर जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, प्लस करते हैं, तो जो हमारे पास आती है वैल्यू वो होती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है, कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी लंग्स की कितनी है वो हमें इन दोनों को प्लस करने से पता चलती है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि इसकी अहमियत क्या है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की, कि जो अमाउंट ऑफ एयर हम ब्रीथ करते हैं एक नॉर्मल एक्सपायरेटरी लेवल पे और एंड करते हैं कि मैक्सिमम लंग्स में डिस्टिंक्शन हो, तब जो अमाउंट ऑफ एयर होती है उसे इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज के कहते हैं। इसके दिस इज़ द अमाउंट ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन ब्रीथ बिगनिंग एट अ नॉर्मल एक्सपायरेटरी लेवल एंड एंडिंग एट द मैक्सिमम लंग डिस्टिंक्शन। मैक्सिमम लंग डिस्टिंक्शन मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लंग्स होते हैं उनमें कुशीदगी जब आती है तब एंड होता है। और जब पर्सन ब्रीथ करता है तो नॉर्मल एक्सपायरेटरी लेवल पे वो अमाउंट ऑफ एयर इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज में आता है। वैल्यू जो होती है इसकी क्या होती है, जब दोनों को टाइडल वॉल्यूम को और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 3500 मिलीलीटर जो कि 3.5 लीटर होता है।
मिलीलीटर 1 मिलीलीटर में होती है, 1 लीटर में होती है। नेक्स्ट है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी के बारे में बताते हैं कि एक एक किसकी कम्बिनेशन से बनता है, किसके हमें पता चलता है इसकी कैपेसिटी के बारे में, कि जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है और रेजिडुअल वॉल्यूम को जब प्लस करते हैं हम, तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी हमें मिलती है। इसका फार्मूला भी ऐसे ही है कि जब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज़ इक्वल्स टू एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। सिग्निफिकेंस का देखते हैं कि अमाउंट ऑफ एयर जो कि हमारे लंग्स में रह जाती है एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, उसके इसका उसे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटीज़ कहते हैं, और उसे ये एक ऐसी अमाउंट ऑफ एयर होती है, ऐसी कैपेसिटी होती है। वैल्यू इसकी है जो हॉप प्लस करके हमें मिलती है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम को जब हम प्लस करते हैं इन दोनों की वैल्यूज़ को, तो हमारे पास जो वैल्यू होती है वो 2300 मिलीलीटर होती है, जो कि 2.3 लीटर के बराबर होती है। नेक्स्ट है वाइटल कैपेसिटी। पर हमारा दो डिस्कस कर सकते हैं, एक इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, दूसरी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, अब है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन तीनों को प्लस करते हैं तो हमें वाइटल कैपेसिटी मिलती है। इसका सिग्निफिकेंस देखो तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर है ये जो कि एक पर्सन एक्सपेल करते हैं अपने लंग्स से, जब उस पहली दफ़ा लंग में फिलिंग होती है एक मैक्सिमम एक्सटेंट पे जब फिलिंग होती है लंग्स की, और फिर एक्सपायर उस एयर को बाहर निकलते हैं एक मैक्सिमम लिमिट पे, तो इस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर को हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। अब टोटल लंग कैपेसिटीज़ की बात करें, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो हम इन तीनों की वैल्यू को जब प्लस करेंगे हमें इसकी नॉर्मल वैल्यू मिल जाएगी। टाइडल वॉल्यूम को, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को प्लस करें तो हमें वाइटल कैपेसिटी मिल जाएगी। और टोटल लंग कैपेसिटी जो होती है वो वाइटल कैपेसिटी और वाइटल कैपेसिटी, यहाँ पे देख लिए आप, रेजिडुअल और रेजिडुअल वॉल्यूम को जब प्लस करते हैं तो हमें वाइटल टोटल लंग कैपेसिटी हमें मिल जाएगी। टोटल लंग की कैपेसिटी कितनी है, वाइटल कैपेसिटी की यहाँ बात क्यों की गई है, क्योंकि वाइटल कैपेसिटी में हम तीन तरह के प्लस करके तो हमें उसकी वैल्यू मिल जाती है, और रेजिडुअल वॉल्यूम उसमें प्लस नहीं हुआ होता। बाकी तीनों होते हैं, टाइडल वॉल्यूम होता है, इंस्पायरेटरी होता है और एक्सपायरेटरी होता है, तो जब रेजिडुअल भी प्लस करेंगे तो हमें टोटल एक लंग्स का जो वॉल्यूम है वो पता चल जाएगा। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि मैक्सिमम जो वॉल्यूम है लंग्स का, जिसकी वजह से लंग एक्सपेंड होते हैं ग्रेटर पॉसिबल इंस्पायरेटरी इफेक्ट के साथ, उसे हम टोटल लंग्स कैपेसिटी है ये। और इसकी जो वैल्यू है, इनको प्लस करने से हमें जो वैल्यू मिलती है वो है 5800 मिलीलीटर और 55.8 लीटर। दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ पल्मोनरी कैपेसिटीज़, पल्मोनरी वॉल्यूम्स और पल्मोनरी कैपेसिटी। द येलो सर्कल्स शो दैट द रेजिडुअल वॉल्यूम, देन ब्लू शोज दैट एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देन टाइडल वॉल्यूम, देन इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम को जब हम प्लस करते हैं तो हमें इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज़ मिलती है, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को और टाइडल वॉल्यूम को जब हम प्लस करते हैं तो हम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी मिलती है। जब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम प्लस करते हैं तो हमें वाइटल कैपेसिटी मिलती है, और जब हम वाइटल कैपेसिटी और रिजर्व वॉल्यूम को प्लस करते हैं तो हमें टोटल लंग कैपेसिटीज़ का पता चलता है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो अब हम आते हैं अच्छी सी स्टडी टिप के बारे में।
आराम से सुनिएगा और इस पे अमल करिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। तो ये मुझे अपनी एक टीचर ने बताया था, हम लोग जब तकरीबन फर्स्ट ईयर में थे तो हमें मैम ने बताया था इस बारे में, तो आज तक मैं इस पे अमल करती आ रही हूँ और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तैयारी होती है मेरी इससे। तो स्टार्ट करते हैं, बताती हूँ मैं इस टिप के बारे में आपको। तो अमी मैम ने ये बताया था कि सबसे पहले तो आप बिल्कुल रिलैक्स्ड होके बैठ जाओ, ऐसी जगह बैठो जहाँ पे शोर ना हो, बिल्कुल खामोशी हो और आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो। जब आप बैठ जाओगे, आप बुक्स अपने सामने रखो, बंद करके रख दो, ज़्यादा गंद नहीं फैलाना, एक पेंसिल रखो साथ, हाईलाइटर रखो और अपना बिल्कुल फोकस अपनी चीज़ों पे रखना है। कोई मोबाइल पास ना हो, कोई टीवी के पास ना बैठे हो, कोई शोर ना हो और फिर आप आंखें बंद करो, बिल्कुल रिलैक्स्ड मूड में बैठ के आप दुरूद पाक पढ़ो, फिर जो इल्म में इजाफे की दुआ है रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा वो पढ़ो, फिर उसके बाद सॉरी फिर उसके बाद पढ़ो कि आप अपने आप को बिल्कुल पढ़ो नहीं बिल्कुल रिलैक्स मोड पे हो, आपके आपको फील हो कि हम बिल्कुल रिलैक्स हैं, हमारी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन पे आ गई है। फिर आप अपनी आइज खोलो, आपने अपने आप को इतना प्रिपेयर करना है कि मैंने आप जितने टाइम के लिए पढ़ना चाहते हो, ज़्यादा टाइम के लिए पढ़ना चाहते हो, इसमें ज़्यादा टाइम ना रखो, थोड़ी ब्रेक भी लेना दरमियान में, लेकिन मोबाइल को बिल्कुल टच नहीं करना। मोबाइल सबसे बड़ी जड़ है आपको पढ़ाई से दूर करने के लिए। और फिर आपने करना है बिल्कुल रिलैक्स मोड पे बैठ जाओ, मैं तो 15 to 20 minutes पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा ब्रेक लेके कुछ खा पी लिया, थोड़ा चल कलमी कर ली, अगर अच्छा मुझे और भी पढ़ना है तब तो अपने 3 hours में कंप्लीट करती हूँ ऐसे ही। और फिर उसके बाद आपने रिलैक्स मोड पे बैठ के तो अपनी बुक्स खोलनी है और साथ एक नोट पैड खोलना है जिस पे आप अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखोगे। साथ साथ आप फर्स्ट टाइम रीडिंग करो बुक की, टॉपिक की रीडिंग करके फिर आप सेकंड टाइम उसमें से हाइलाइटर से पॉइंट्स हाईलाइट करो। ये जो हाईलाइटर होता है, इससे जब आप हाईलाइट करते हो, आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हो, आपको वो और ना याद हो तो हाइलाइटेड पॉइंट्स लाजमी याद रह जाते हैं, और कुछ भी अगर याद ना रहे तो हाइलाइटेड पॉइंट्स मस्ट याद रहते हैं, ये हमारी जाती हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाती हैं जब हम कलरफुल हाइलाइटर से हाईलाइट करते हैं चीज़ों को। हाईलाइट करने के बाद आपने वो सारे पॉइंट्स आपने लिख लेने हैं एक पेज पे लिख के आपने उनको रिपीट करना है, लेकिन एक बात कि आपकी आवाज़ इतनी हो कि आपके अपने कान सुन रहे हों। जब आपके अपने कान आपकी अपनी आवाज़ सुनते हैं तो वो जाके हमारी जो बात वो होती है या कोई सबक होता है वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाता है। जो साइलेंट रीडर्स होते हैं उनका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो मुंह बंद करके बस देखते रहते हैं वर्ड्स को और वो उनके शॉर्ट याद हो जाते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए, लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए सेव करने के लिए आपको अपनी आवाज़ मुँह से निकालनी होगी और आपके कान उस आवाज़ को सुने, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके जो सबक होगा, चैप्टर होगा, टॉपिक होगा, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगा और आपको याद हो जाएगा। रट्टे नहीं लगाने, सिंपल फर्स्ट टाइम रीडिंग करो टॉपिक के, सेकंड टाइम हाईलाइट करो, थर्ड टाइम आप उसे कॉपी पे लिखो, पूरा टॉपिक ना लिखो, जो मेन पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को लिखो, फिर 2-3 दफ़ा रीड करो, आपको बिल्कुल अच्छा याद हो जाएगा। फिर अपने आप से क्विज लो और आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। और फिर आप ब्रेक लेना चाहते हो जैसे भी, फिर आप दोबारा स्टार्ट करने के लिए ऐसे ही स्टार्ट करो, लेकिन मोबाइल और टीवी से उस स्टडी टाइम पे के दौरान दूर रहो तो तब अच्छी स्टडी होती है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि किसी के एक मेल बॉक्स में किसी की मेल देख लें या हम ज़्यादा नहीं देखेंगे, या कोई भी ऐसा काम कि किसी का मैसेज आया हो मैसेज देख लें, व्हाट्सएप तो स्क्रॉल देख लें कि किसी का मैसेज हो, फेसबुक स्क्रॉल कर लिया,
ये जो चीज़ें होती हैं जब आप ये हाथ में लेते जाते हो, आप मोबाइल में गुम हो जाते हो, पढ़ाई वहीं की वहीं दरी रह जाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, हम अपना कोर्स कंप्लीट नहीं कर सकते। तो ये जो टिप है मैंने आज तक किसी को फॉलो किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी को आगे भी फॉलो करूँगी, और ये बहुत अच्छी टिप है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैम की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने बताया था और आज तक मेरे लिए हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप भी अमल कीजिए इन चीज़ों पे और मेरे लेक्चर सुनिए और एंड तक वीडियो देखिएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे। थैंक यू सो मच।